रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ये चल रहा था टॉपिक, और इसमें हमने बात करी थी कौन कौन से रिप्रेजेंटेशन होता है, न्यूमैन प्रोजेक्शन, वेजडे, सोहार्स एंड पीसर प्रोजेक्शन, जिसमें से वेजडे रिप्रेजेंटेशन क्या होता है उसकी बात अपन ने कर ली थी, ठीक है ना। और नेक्स्ट कौन सा है, पीसर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। अब देखिए पीसर प्रोजेक्शन फॉर्मूला आप इसको किस प्रकार से देखते हो, देखो कोई भी एक मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल को पीसर की फॉर्म में आप किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हो, ऐसा ये रिप्रेजेंटेशन होता है, समझ में आ रहा है। बीच में एक कार्बन एटम होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो ये लाइन तो हो गई वर्टिकल लाइन, ये कौन सी हो गई वर्टिकल लाइन देखो, और ये हो गई हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है ना। देखो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब है टूवर्ड्स द व्यूअर, मतलब एक्चुअली ये जो हॉरिजॉन्टल पर यहाँ पर जो भी ग्रुप जुड़ेगा उसका मतलब ये ग्रुप ये होंगे, यहाँ पर जो भी ग्रुप आप लिखोगे उसका मतलब ये ग्रुप ऐसे है, यहाँ पर जो ग्रुप आप लिखोगे इसका मतलब वो ग्रुप ऐसे है, जबकि ये वर्टिकल पर जो भी ग्रुप प्रेजेंट होगा उसका मतलब होगा अवे फ्रॉम द व्यूअर, मतलब ये बोर्ड के पीछे गए, मतलब यहाँ पर जो ग्रुप जुड़ेगा वो बोर्ड के पीछे गया और यहाँ पर जो ग्रुप जुड़ेगा वो बोर्ड के आगे गया, समझ में आ रहा है ना। तो हॉरिजॉन्टल लाइन पर जो भी ग्रुप प्रेजेंट होगा उसका मतलब क्या है, उसका मतलब है टू वार्ड्स द व्यूअर, समझ में आ रहा है ना, टू वार्ड्स द व्यूअर। और अगर अपन इसकी बात करें वर्टिकल की, इस पर जो भी ग्रुप प्रेजेंट होगा इसका मतलब क्या है, अवे फ्रॉम द व्यूअर। तो देखिए ये हो गया वर्टिकल लाइन, यहाँ पर जो ग्रुप प्रेजेंट होगा उसका मतलब है अवे फ्रॉम द व्यूअर, यहाँ लिख देता हूँ देखो अवे फ्रॉम द व्यूअर। अब देखो ध्यान देना समझना, यहाँ पर अपन जनरली जो मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप होता है उसको रखते हैं, देखो मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप यहाँ पर जनरली अपन क्या करते हैं, जो मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप होता है उसको यहाँ पर रखा जाता है, समझ में आ रहा है यहाँ तक, ठीक है ना, कोई डाउट है क्या किसी को, नहीं ये है। तो इस स्ट्रक्चर का एक्चुअल मतलब क्या होगा, जैसे ये है, ये केस है, इसका एक्चुअल मतलब ये है, देखो ये जो ग्रुप है वो तो कहाँ पर होंगे, अवे फ्रॉम द व्यूअर या टुवर्ड्स द व्यूअर, अवे फ्रॉम द व्यूअर, मतलब ये ग्रुप ये है लेस पर गए, और इनका मतलब है टुवर्ड्स द व्यूअर, मतलब ये अपनी तरफ आएंगे, यहाँ पर ये ये वेजडेस है, ये पीसर नहीं है, ये केवल इसको एक्सप्लेन करने के लिए अपन यहाँ पर बताया है, समझ में आ रहा है ना, किसी को कोई डाउट है क्या, नहीं है ना। अब देखो यहाँ पर लिखना करैक्टरिस्टिक्स ऑफ पीसर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, ठीक है ना, करैक्टरिस्टिक ऑफ पीसर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। देखो इसके एक मॉडल से भी अपन समझ लेते हैं पहले एक बार, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं ना किसी को, देखो इधर देखो पिछली क्लास में अपन ने बात करी थी, देखो वेजडेस रिप्रेजेंटेशन, वेजडेस ये था मॉलिक्यूल का आपने यहाँ से देखा और यहाँ से प्लेन लगा दिया, तो जो एटम प्लेन में आते हैं उनको हमने सॉलिड लाइंस पर रखा है, और जो एटम आपकी तरफ आ रहा है वो वेज हो गया और जो आपसे दूर जा रहा है वो डेस हो गया। अब इसी स्ट्रक्चर को यू देख रहे हैं अपन, यू आप देख रहे हो इसको फ्रंट से, यहाँ से समझ में आ रहा है ना। अब देखो जब यहाँ से देखोगे तो इन दोनों एटम को मिलाओ एक वर्टिकल लाइन बनेगी, सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी, इन दोनों एटम को मिलाओ एक वर्टिकल लाइन बनेगी नहीं बनेगी। तो जो ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पर आ रहे हैं वो आपकी तरफ है टुवर्ड्स द व्यूअर, और जो ग्रुप वर्टिकल लाइन पर आएंगे यहाँ पर वो अवे फ्रॉम द व्यूअर है, मतलब इस स्ट्रक्चर का मतलब एक्चुअली ये है, ये जो ग्रुप है ये ग्रुप वो इनको बता रहे, और जो ये ग्रुप है यहाँ पर और यहाँ पर वो एक्चुअली इन दोनों को बताएगा, समझ में आ गया होगा। तो पीसर ये नहीं है, ये केवल अपन ने समझने के हिसाब से लिखा है, पीसर एक्चुअली क्या है ये होगा, ये समझ में आ गया ना। अब देखिए एक पीसर के क्या क्या करैक्टरिस्टिक होते हैं, देखो समझना, सबसे पहला पॉइंट, पीसर प्रोजेक्शन ऑलवेज इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन होता है,
ये स्टेगर्ड नहीं हो सकता, ठीक है ना। देखो ऑलवेज ऑलवेज एक्लिप्स्ड एक्लिप्स्ड कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िगरेशन, ये हमेशा इक्लिप्स्ड कॉन्फ़िगरेशन इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन कर देता है, इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन होता है, इक्लिप्स्ड कन्फर्मर, ठीक है ना। अब देखो समझना इसका क्या मतलब है। जैसे अपन ने यहाँ पर ये केस लिया, देखो ये पीसर बना दे, इसके अंदर कितने कार्बन थे, वन, इसके अंदर कितने हो गए, टू कार्बन। अब देखो एक्चुअली इसका मतलब ये होगा, देखो ध्यान देना, जो ग्रुप वर्टिकल पर आते हैं वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, वर्टिकल वाले टुवर्ड्स द व्यूअर को। कहने का मतलब ये जो ग्रुप होगा एक्चुअली वो यू होगा, टुवर्ड्स द व्यूअर, मतलब ये वेज पर जाएगा यू, इसका मतलब एक्चुअली ये होगा। इस वर्टिकल नहीं है, हॉरिजॉन्टल है बेटा, व्हाट है। देखो ये ग्रुप किसको रिप्रेजेंट करेगा, टुवर्ड्स द व्यूअर को। और देखो यहाँ पर देखो हॉरिजॉन्टल पर जो आ रहा है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टुवर्ड्स द व्यूअर को। और यहाँ पर देखो जो ग्रुप वर्टिकल पर आएगा ये वो ग्रुप अवे फ्रॉम द व्यूअर को रिप्रेजेंट करेगा यू। एक्चुअली इस स्ट्रक्चर का मतलब यह होगा, फिशर ये नहीं है, फिशर ये है, ये केवल अपन ने समझने के पर्पज से लिखा है। अब आप इस फॉर्म को क्या स्टैगर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते। क्यों आप देखो इसलिए कन्वर्ट नहीं कर सकते स्टैगर्ड में, क्योंकि अगर मान लो आप इसको 180 से घुमाने की कोशिश करते हो यहाँ से, तो घुमाते ये अभी बोर्ड के पीछे, और ये बोर्ड के पीछे से घूम के बोर्ड के आगे आ जाएगा, बोर्ड के आगे आएगा रहेगा तो वर्टिकल पर है, और वर्टिकल पर जैसे आप रिप्रेजेंट करोगे तो उसका मतलब बोर्ड के पीछे होगा, बोर्ड के आगे नहीं होगा। देखो आप बनाओ इसको, मैं एक मॉडल से एक्सप्लेन करता हूँ इसको, देखो चलो यहाँ तक देखो। इसमें इसके बात कर रहे थे अपन फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, ये हो गया। देखो ये फिशर है, आप इसको यहाँ से देख रहे हो फ्रंट से, यहाँ से देखोगे ना तो देखो जो ग्रुप इन दोनों को मिला हुआ आप ये वर्टिकल बन गया, सॉरी हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल पर जो ग्रुप आए वो किसकी तरफ है, आपकी तरफ, टुवर्ड्स द व्यूअर। इन दोनों को मिला हुआ वर्टिकल बना, हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल, ये किधर आ गए आपकी तरफ, इन दोनों ग्रुप को मिलाओ आप, इन दोनों को मिलाते वर्टिकल बन गया और ये आपसे दूर जा रहे हैं अवे फ्रॉम द व्यूअर। समझ में आ रहा है ना, एक्चुअली इसका मतलब ये है, समझ में आ रहा है। ये दोनों ग्रुप इनको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो पीछे के दो ग्रुप है ये इन दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा। अब आप इसकी स्टैगर्ड फॉर्म नहीं बना सकते। अब आप सोचोगे कि ये बन तो गई स्टैगर्ड, सही स्टैगर्ड बन गई, लेकिन आप इसका फिशर नहीं बना सकते। समझ में आ रहा है, फिशर पॉसिबल है किसका, नहीं है पॉसिबल। क्यों नहीं है, क्योंकि अगर आप इसका फिशर बनाने की कोशिश करोगे ना तो ये ग्रुप तो भाई कहां पर गए, वर्टिकल पर। अब आप इनको जैसे इस ग्रुप को वर्टिकल पर रखोगे, यहां पर वर्टिकल पर रखते तो वर्टिकल भाई, इसका मतलब ये स्ट्रक्चर है। देख इसका मतलब क्या होगा, अगर इसको मैं बनाता हूं यहां पर तो ये दोनों ग्रुप तो डैश पर चले गए, ये आप दूर चले गए ना, ये वेज पर चला गया आपकी तरफ आ गया, और ये दोनों वेज पर है ये, और ये कहाँ पर है, ये वाला डैश पर है, ठीक है ना। इसका मतलब एक्चुअली ये होगा। अब इसको आप फिशर इसमें कन्वर्ट थोड़ी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जैसे वर्टिकल लाइन आप लिखोगे इसका मतलब ये होता है, ये नहीं होता, क्लियर है। कहने का मतलब है कि फिशर प्रोजेक्शन का फिशर प्रोजेक्शन ऑलवेज एक्लिप्स्ड होता है, ये इसकी स्टैगर्ड फॉर्म पॉसिबल नहीं हो सकती। समझ में आ रहा है ना, इससे आप फिशर नहीं बना सकते, इससे फिशर नहीं बना सकते। कोई डाउट है क्या किसी को, नहीं क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से, ठीक है ना। ये पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट है, पॉइंट नंबर सेकंड, देखो ध्यान देना। यदि किसी फिशर प्रोजेक्शन में किसी भी कार्बन एटम पर हम ओड चेंज करते हैं, किसी भी कार्बन एटम पर क्या करते हैं, दो ग्रुप को इंटरचेंज करते हैं और ओड चेंज करते हैं तो एनानशमर बनता है, और इवन चेंज करते हैं तो आइडेंटिकल बनता है। देखो इसका क्या मतलब है, सबसे पहले समझना। देखो odd changes at same carbon atom देखो इससे give enantiomer और next है देखो even changes at same carbon atom
कार्बन एटम देखो गेउज गेउज डाइस्टीरियमर छ गेउज डाइस्टीरियमर हाँ सॉरी डाइस्टीरियमर नहीं आइडेंटिकल गेउज आइडेंटिकल आइडेंटिकल ये ठीक है ना। अब चलो इसको अपन करके देखते हैं इसका मतलब क्या है। एक्चुअली ये कर ले बेटा सबने कर रखा है ना। देखो इसका मतलब क्या है देखो समझना। इधर देखो सभी देखो जैसे यहाँ पर एक फिशर प्रोजेक्शन अपन ने ले लिया ये फिशर प्रोजेक्शन ले लिया। अब यहाँ पर अपन फोर ग्रुप डाल देते हैं जैसे 1 2 3 4 समझ में आ रहा है ना। आपकी मर्जी पड़े जिन दो ग्रुप को चेंज कर दो आपकी मर्जी पड़े जिन दो को आप चाहो तो इन दोनों को कर लो इन दोनों को कर लो इन दोनों को इन दोनों को आप चाहो इन दोनों को करो चेंज इन दोनों को करो आपकी मर्जी पड़े जिन दो ग्रुप को आप चेंज कर सकते हो। समझ में आ रहा है ना। किन्हीं भी दो ग्रुप को चेंज कर दो जैसे इन दोनों को करके देख लो चेंज इन दोनों को चेंज करते यहाँ पर क्या बनेगा देखो ध्यान देना। देखो ये 2 तो यहाँ चला गया और ये 1 यहाँ पर चला गया यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4। अब देखो ये फर्स्ट चेंज है ये फर्स्ट चेंज है या नहीं है। अब इस स्ट्रक्चर को अपने ए मार्क कर दिया। अब देखो ध्यान देना यहाँ पर अपन ने क्या लिखा है कि अगर ओड चेंज करते सेम कार्बन पे ओड चेंज का मतलब क्या हो गया कि चेंज 1 3 5 इस तरह से होगा। इवन चेंज का मतलब क्या हो गया कि चेंज 2 4 6 8 इस तरह से अपन को चलना है। अभी देखो इस पर कितने चेंज किए अपन ने फर्स्ट चेंज ओड है इवन है ओड है ना इसका मतलब ये ओड चेंज से आपको क्या मिलता है एनांसियमर। इसका मतलब ये जो ए एंड बी है वो एक दूसरे के एनांसियमर होंगे एक दूसरे के क्या होंगे एनांसियमर। समझ में आ रहा है ना। अब देखो नेक्स्ट केस जैसे मान के चलो कि यहाँ पर अपन ने फिर चेंज किया इधर लिख देता हूँ नीचे ये लिख रखा है ना बेटा सबने। देखो यहाँ पर अपन फिर चेंज करते हैं जैसे ये हो गया सेकेंड चेंज। अब देखो सेकंड चेंज करने पर क्या होगा देखो ध्यान देना आपकी मर्जी पड़े जिन दो ग्रुप को चेंज कर दो आपकी मर्जी पड़े जिनको कोई इशू नहीं। जैसे मैं इन दोनों को कर दूं चेंज आप जरूरी नहीं इन दोनों को ही करो किन्हीं भी दो को आप चेंज कर सकते हो। मैं भी इन दोनों को कर रहा हूँ ठीक है। इन दोनों को चेंज करने पर क्या होगा देखो ये 3 यहाँ पर आएगा ये यहाँ का 1 यहाँ पर आएगा ठीक है ना ये 4 यहाँ पर है और ये 2 यहाँ पर है। समझ में आ रहा है ना। अब देखो ध्यान देना ये चेंज करने के बाद ये सेकंड चेंज है यहाँ पर बन गया सी। आप फिर किन्हीं भी दो ग्रुप को चेंज कर दो या थर्ड चेंज इन दोनों को चेंज कर दो ठीक है ना किन्हीं भी दो को चेंज कर सकते हो ये 2 ये 3 ये 4 यहाँ पर आ गया ये 1 यहाँ पर आ गया। देखो फिर चेंज कर देते हैं जैसे फोर्थ चेंज ठीक है ना इन दोनों को चेंज कर देते हैं भाई। तो इन दोनों को चेंज करने पर क्या हो गया देखो ये 1 ये 2 ये 4 और ये 3। समझ में आ रहा है ना कट आउट है क्या नहीं है ना। अब देखो जैसे इन दोनों को चेंज करके देख लेते इन दोनों को चेंज कर दे इन दोनों को चेंज कर दिया इन दोनों को चेंज करने पर देखिए 2 यहाँ पर आ गया 3 यहाँ पर आ गया और ये 1 यहाँ पर और ये 4 यहाँ पर। फिर एक चेंज और करके देख लेते हैं जिससे 5th हो गया और यहाँ पर 6th चेंज कर लेते हैं। देखिए इन दोनों को चेंज कर देता हूँ मैं इन दोनों को चेंज करने पर क्या बनेगा देखो ये 3 यहाँ पर ये 2 समझ में आ रहा है ना ये 4 यहाँ पर आएगा और ये 1 यहाँ पर आएगा। अब देखो ध्यान देना समझना आप यहाँ पर देखो ये ए बी सी डी और यहाँ पर हो गया ई यहाँ पर एफ और जी। मतलब ये सीक्वेंस फिक्स नहीं कि आप पहले इसको करो फिर इसको करो आपकी मर्जी पड़े जिन दो ग्रुप को आप चेंज कर सकते हो। समझ में आ रहा है ना। अब देखो ध्यान देना समझना जैसे ये अपनी रेफरेंस स्ट्रक्चर होगी शुरू में जो अपन ने बनाई थी ठीक है ना। अब देखो नोट करना समझना ए के बाद देखो यहां से चले फर्स्ट चेंज ये चले सेकंड चेंज सेकंड ऑर्डर इवन है इवन सेकंड चेंज से क्या बना सी। इसका मतलब ए और सी आइडेंटिकल होगा ये सेम होगा समझ में आ रहा है ना। फिर यहां से चलो थर्ड और फोर्थ चेंज पर क्या बना ई ये भी इवन है इसका मतलब ई भी क्या होगा ए के समान होगा आइडेंटिकल होगा। और देखो यहां पर फिफ्थ और सिक्स्थ चेंज पर क्या बना जी इसका मतलब जी भी आइडेंटिकल होगा इसका मतलब ए सी ई जी आइडेंटिकल है ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। अब देखो यहां से यहां पर फर्स्ट चेंज क्या ऑर्डर इवन है फर्स्ट चेंज ऑर्डर इवन है
ओड है, इसका मतलब फर्स्ट चेंज से जो बी बनाना वो इस ए का एनंसियमर होगा। फिर देखो यहाँ पर सेकंड थर्ड, थर्ड चेंज पर डी बना, ओड है ना, तो इसका मतलब डी भी एनंसियमर होगा। फिर देखो थर्ड फोर्थ चेंज, फिफ्थ चेंज, फिफ्थ चेंज पर क्या बना एफ, इसका मतलब एफ भी क्या होगा एनंसियमर होगा। तो ये आपस में आइडेंटिकल होंगे, ये आपस में आइडेंटिकल होंगे, और ये क्या होंगे, देखो ये तो सब सेम है इसे, इसका मतलब जो बी डी एफ है वो एनंसियमर ऑफ ए सी ई एंड जी होगा इन सब का, क्योंकि तो सेम ही है, इन सब के एनंसियमर होंगे ये, समझ में आ रहा है। तो ये आपस में तो आइडेंटिकल हुई है ना भाई, ये ए के एनंसियमर बी भी है, डी भी है, एफ भी है, तो ये आपस में तो आइडेंटिकल हुई है ना, तो आपस में आइडेंटिकल है बट ए सी ई एंड जी के एनंसियमर है। देखो आइडेंटिकल, आइडेंटिकल बट एनंसियमर ऑफ, एनंसियमर ऑफ किसके होंगे, देखो ए सी ई एंड जी, मेरे हिसाब से किसी को कोई डाउट नहीं होगा। लेकिन एक बात ध्यान देने, जितने भी चेंजेज होने चाहिए ना, ये सारे चेंजेज एक ही किरेल सेंटर पर होने चाहिए। जैसे समझो कि यहाँ तो अपन ने किरेल सेंटर एक ही लिया, अगर मॉलिक्यूल में मान लो एक से ज़्यादा किरेल सेंटर हो, उस कंडीशन में आप ये चेंज करोगे तो सारे चेंज किस पर होने चाहिए, एक ही किरेल सेंटर पर। अगर आप अलग अलग किरेल सेंटर पर चेंज करोगे तो फिर वो उस किरेल सेंटर के रेस्पेक्ट में आएगा जिस पर आप चेंज कर रहे हो, समझ में आ रहा है ना, ठीक है ना। तो सभी चेंजेज कहाँ पर होने चाहिए, सेम किरेल सेंटर पर होने चाहिए। तो देखो ऑल चेंजेज, ऑल चेंजेज शुड बी, शुड बी टेक प्लेस, टेक प्लेस एट द सेम किरेल सेंटर, सेम किरेल सेंटर। कोई डाउट है क्या किसी को, ये समझ में आ रहा है सबको, है ना, करो देखो नोट, हो गया ना, कर लिया ना, किसी को कोई डाउट है क्या तक, नहीं है ना। देखो ध्यान देना, इसको अपन आरएस कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं इन सभी को, लेकिन अभी आरएस कॉन्फ़िगरेशन अपन ने नहीं पढ़ा, तो मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ मॉडल के थ्रू। देखो इसका मतलब क्या है, यू समझ लो कि ये स्ट्रक्चर ये है ओरिजिनल, ये स्ट्रक्चर ये है, हो गया ना, ये अवे फ्रॉम द टुवर्ड्स द व्यूअर और ये अवे फ्रॉम द व्यूअर। अब यहाँ पर यू मान लेना, देखो ध्यान देना, ये जो यू समझ लो इसको, जो ये वन है उसको अपन ने ग्रीन मान लिया, ये इसको क्या मान लिया, ग्रीन समझने के लिए, और इस टू को अपन ने मान लिया ये ऑरेंज, और इसको मान लिया अपन ये रेड पिंक, है ना, जो भी करना चाहो ये, और इसको मान लिया अपन ये वाइट, ये हो गया। तो ये ग्रीन हो गया अवे फ्रॉम द व्यूअर या टू आर्ट द व्यूअर, अवे फ्रॉम द व्यूअर, वाइट अवे फ्रॉम द व्यूअर, ऑरेंज टू आर्ट द व्यूअर, और ये पिंक टू आर्ट द व्यूअर, ये समझ में आ गया। अब देखो अपन ने क्या क्या कहा कि हर इवन चेंज पर क्या बन रहा है, आइडेंटिकल बन रहा है, इवन चेंज वाली कोई सी भी स्ट्रक्चर देखो आपकी मर्जी पड़े जो, यही देख ले सेकंड चेंज पर बन रही है, चलो देखते हैं अपन। देखो टू का मतलब क्या है, ऑरेंज, ऑरेंज वाला येलो हो गया, और टू का मतलब ऑरेंज, वन का मतलब क्या है, वन का आ गया, देखो ये हो गया टू का मतलब ऑरेंज और वन का मतलब क्या है ग्रीन, तो ग्रीन को मुझे नीचे लाना है, ये मैच करो, ये अवे फ्रॉम द व्यूअर है या नहीं, और इस अवे फ्रॉम द व्यूअर टू क्या है, ऑरेंज, ऑरेंज ही अवे फ्रॉम द व्यूअर चला गया। देखो यहाँ पर देखो वन, वन क्या है, वन कहाँ गया, ये ग्रीन, ग्रीन भी कहाँ पर है, अवे फ्रॉम द व्यूअर हो गया। फिर देखो आप वाइट, आप थ्री देखो, थ्री नंबर का कौन सा है, वाइट, वाइट यहाँ पर कहाँ है, टू वर्ड्स द व्यूअर है या नहीं है। फिर देखो आप पिंक, पिंक फोर्थ नंबर का कहाँ पर ही है, टू वर्ड्स द व्यूअर, मैच कर रहा है नहीं कर रहा, कंप्लीट कंप्लीट मैच कर रहा है नहीं कर रहा, क्योंकि अपन ने इसमें कुछ चेंज किया क्या, कुछ चेंज किया कि एज इट इज, इससे डायरेक्ट अपन इसको मैच कर रहे हैं। अब आप सोचो कि ऐसे तो हो सकता है इसी से मैच कर जाए, करके देखे हो जाएगा कि देखो, चलो चेंज चेक करते हैं। टू, टू क्या है, टू है ऑरेंज, ये ऑरेंज को या, और यहाँ पर देखो थ्री, थ्री क्या है, थ्री क्या है, वाइट, तो ये ऑरेंज और वाइट को कहाँ पर ले जाओ, अवे फ्रॉम द व्यूअर,
देखो ऑरेंज और व्हाइट को अवे फ्रॉम द व्यूअर ले जाने के बाद ये मैच कर रहा है कि देखो देखो वन क्या है, वन ग्रीन, ग्रीन से मैच कर रहा है कि ये नहीं कर रहा, नहीं कर रहा ना। आप किसी भी प्रकार से इसको सुपरइम्पोज कर ही नहीं सकते, इस पर रख नहीं सकते, क्योंकि वास्तव में इसका एनान्सियोमर है। हाँ, अगर मैं इसमें और चेंज कर दूंगा तो फिर इस पर सुपरइम्पोज हो जाएगा। चलो और से देख लेते हैं, देखो ईवन चेंज पर और क्या बन रहा है, देखो आप ये हो गया फोर्थ चेंज पर बनाना ईवन। देखो इससे मैच करता ही नहीं करता, क्योंकि ये स्ट्रक्चर एक्चुअली यही थी ना, तो इससे मैच करके देखे इसको। चलो देखते हैं, वन क्या है, ग्रीन, ग्रीन को ऊपर लाता हूँ मैं, और फोर क्या है, फोर है पिंक, पिंक को नीचे लाता हूँ, ये मैच करो। वन ग्रीन हो गया, देखो फोर्थ, फोर्थ क्या है, पिंक, फोर्थ पिंक। देखो थ्री वाइट, देखो मैच कर रहा है नहीं कर रहा, थ्री वाइट, और देखो टू ऑरेंज, टू ऑरेंज कहा गया, टू ऑरेंज कर गया मैच, समझ में आ रहा है। अब देखो अगर मुझे इसका एनान्सियोमर बनाना है तो क्या करना है, इस पर ऑड चेंज कर दूं, भाई किरेल सेंटर है, क्यों, क्योंकि इस पर सारे ग्रुप क्या है अलग अलग है। इसका अगर मुझे एनान्सियोमर बनाना है तो इस पर क्या करो, ऑड चेंज कर दो, किन्हीं भी दो ग्रुप को चेंज कर दो, किन्हीं भी दो को कर दो, जैसे किसको करो, चलो इन दोनों को कर दो, अब ये एनान्सियोमर बन गया। अब ये ओरिजिनल स्ट्रक्चर से मैच नहीं होगा, अभी किससे मैच होगा, एनान्सियोमर से, किसी भी एनान्सियोमर से मैच करा लो आप। एक का एनान्सियोमर देखो ओड चेंज पर बनेगा ना, ओड चेंज ये भी है, थ्री वाला ये भी है, और फिफ्थ वाला ये भी है। चलो इसको मैच कर लेते हैं सीधा, फिफ्थ वाले को करके देखे। चलो वन का मतलब क्या है, वन ग्रीन, ये ग्रीन लो आप, और फोर का मतलब क्या है, पिंक, ये पिंक लो, हो गया वन पर ग्रीन और फोर्थ पर पिंक, ठीक है ना। अब देखो आप ऑरेंज टू, ऑरेंज टू आ रहा है, और वाइट थ्री, वाइट थ्री आ रहा है, देखो एनान्सियोमर से मैच किया नहीं किया। तो मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा, किसी भी एक किरेल सेंटर पर हम ओड चेंज करते हैं तो एनान्सियोमर बनता है, और इवन चेंज करते हैं तो क्या बनता है, आइडेंटिकल बनता है। ये समझ में आ रहा है यार, लेकिन ध्यान देना ये कॉन्सेप्ट केवल इसी के लिए नहीं है, ये सब पर अप्लाई होता है, चाहे फिशर हो, चाहे वेजडेस हो, चाहे सोहार्स हो, समझ में, न्यूमान हो, कुछ भी ले लो। अभी जैसे ये स्ट्रक्चर ये कौन सी है, इससे तो आप कुछ भी बना लो, ये तो थ्री डी स्ट्रक्चर है, ओरिजिनल मॉलिक्यूल। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है वो आप पे डिपेंड करता है। मैंने चेंज अभी जो किया था वो डायरेक्ट इसी स्ट्रक्चर में कर दिया, अब ये न्यूमान फिशर कुछ थोड़ी हो, तो आपके देखने के नजरिए पर डिपेंड करता है कि आप कैसे देखते हो, समझ में आ रहा है ना। डायरेक्ट इसकी अगर बात करते हैं, थ्री डी मॉलिक्यूल है, इसको आप कुछ भी मान सकते हो। अब इसको कब क्या मानोगे वो आप डिपेंड करता है आपने इसको कैसे देखा। इसको आप यू देखते हो तो ये वेजडेस है, इसी मॉलिक्यूल को यू देखते हो तो फिशर है, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, क्लियर है। और चेंज आप इसी में डायरेक्ट करोगे, एक बार चेंज करने से एनान्सियोमर बनेगा, दो बार करोगे चेंज टू टाइम्स तो आइडेंटिकल, थ्री टाइम्स करोगे तो एनान्सियोमर बनेगा, ये सब होगा। अब मेरे हिसाब से इसमें कोई डाउट नहीं होगा, है क्या डाउट, नहीं ना, करो देखो नोट इसको, हो गया उठा, कर ले सबने, किसी को कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक, देखो समझो। देखो नेक्स्ट केस है, कोई भी फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला है, देखो ये फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला वन टू थ्री फोर, समझ में आ रहा है ना। अब देखो ध्यान देना, देखो इस फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले को रोटेट करना है, देखो रोटेट, रोटेट 180 डिग्री विद इन प्लेन, विद इन प्लेन, इस फिशर को विद इन प्लेन कितने डिग्री से रोटेट कर दे, 180 डिग्री से, तो आइडेंटिकल बनेगा, आइडेंटिकल बनेगा, आइडेंटिकल, समझ में आ रहा है। अब विद इन प्लेन 180 डिग्री का मतलब क्या है, देखो ध्यान देना, विद इन प्लेन का मतलब ये प्लेन में ये मॉलिक्यूल रखा है, इसको इस प्लेन से उठाना नहीं है, और डायरेक्ट 180 से घुमा दो, ये ध्यान देना, ये मॉलिक्यूल प्लेन में रखा है, इसको प्लेन से उठाना नहीं है, और डायरेक्ट किससे घुमा दो, 180 पर, समझ में आ रहा है, ठीक है ना। अब रोटेशन फिक्स नहीं है कि आप इसको क्लॉकवाइज घुमाओ, आपकी मर्जी क्लॉकवाइज घुमाओ, आपकी मर्जी एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, लेकिन घुमाना कितने डिग्री से, 180 से, यू, यू है पूरा 180 से, यू है पूरा 180 से, लेकिन प्लेन से मॉलिक्यूल को उठाना नहीं है, समझ में आ रहा है ना। तो देखो जब विद इन प्लेन इसको 180 से घुमा रहा हो तो क्या होगा, ये वन यहाँ पर आएगा, यहाँ का थ्री यहाँ चला जाएगा,
यहाँ का फोर यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ का टू यहाँ पर आएगा। समझ में आ रहा है? अगर आप इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाते तब भी तो यही होता। तो रोटेशन के डायरेक्शन क्या रखते हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखो ध्यान देना, अपन यहाँ पर लिखा जैसे रोटेट 90 डिग्री विद इन प्लेन। अगर आप एक पिक्चर को विद इन प्लेन 90 डिग्री से रोटेट करते हो तो एनांसियोमर बनता है। क्या बनता है? एनांसियोमर। समझ में आ रहा है, ठीक है ना। एग्जाम्पल यहाँ पर देखते हैं। अब ध्यान देना, इधर देखो आप 90 डिग्री से घुमाओगे तो वही रोटेशन, आप चाहो तो क्लॉकवाइज घुमा दो, आप चाहो तो एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो, मतलब ये 90 डिग्री ये घुमा दो चाहे ये घुमा दो, लेकिन प्लेन से नहीं उठाना, विद इन प्लेन। समझ में आ रहा है ना। मैं अभी ये रोटेट कर रहा हूँ, देखो ये वन यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ का टू यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ का थ्री यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ का फोर यहाँ पर आ जाएगा। हो गया 90 डिग्री। ये एनांसियोमर है, ये एनांसियोमर है, ठीक है ना। जबकि ये क्या है? ये आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल आइडेंटिकल। समझ में आ रहा है सबको? फिर देखो ध्यान देना, देखो नेक्स्ट अपन केस लेते हैं। जैसे यहाँ पर लिया रोटेट 180 डिग्री विद इन प्लेन 180 डिग्री से हमने क्या किया? विद इन प्लेन रोटेट किया, हो गया ना 180 90 आउट ऑफ प्लेन करो ना, रोटेट 180 डिग्री आउट ऑफ प्लेन हमने किससे रोटेट किया? 180 डिग्री से। तो देखो एनांसियोमर बनेगा, यहाँ पर बनेगा एनांसियोमर। अब देखो आउट ऑफ प्लेन 180 डिग्री से रोटेट करने का मतलब, जैसे मॉलिक्यूल यू रखा है ना, यहाँ से यू घुमाते हैं, मॉलिक्यूल यू है, आपने यू घुमा दे 180 से, आप चाहो यू घुमा दो, मतलब कैसे भी कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ऐसे हो गए, ठीक है ना। ऐसे है तो यू घुमा दो, आप यू घुमा सकते हो ऐसे, या आप अपोजिट भी कर सकते हो ऐसे। आउट ऑफ प्लेन 180 डिग्री से रोटेट होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? आउट ऑफ प्लेन जब 180 डिग्री से रोटेट करोगे तो एनांसियोमर बनेगा। अब देखो अभी मैं इसको यू घुमा रहा हूँ, लेकिन जरूरी नहीं, आपकी मर्जी पड़े जैसे रोटेट कर सकते हो आप। देखो जैसे आप आउट ऑफ प्लेन 180 से रोटेट करोगे जैसे इस तरह से, तो क्या होगा? ये फोर तो यहाँ पर, ये टू यहाँ पर आएगा, नहीं आएगा? फोर यहाँ पर, ये टू यहाँ पर, ये थ्री यहाँ पर, ये वन यहाँ पर, होगा नहीं होगा? ध्यान देना, ये फोर यहाँ पर, टू यहाँ पर, हो गया ना, फोर तो इधर हो गया, टू इधर हो गया, और यहाँ का थ्री ऊपर चला गया, यहाँ का वन नीचे जाएगा, ये क्या होगा? एनांसियोमर होगा। समझ में आ रहा है ना? ये एनांसियोमर होगा। एक मिनट, इसमें तो यू किया ना अपन ने केवल आउट ऑफ डिग्री, तो ये तो सेम रहेगा ना, ये सेम रहेगा, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया होगा ना, जैसे आउट ऑफ प्लेन आप किससे रोटेट करोगे इसको? 180 से, तो ये फोर तो यहाँ पर, ये टू यहाँ पर आएगा, फोर तो इधर आ गया और ये टू इधर आ गया, जबकि वन और थ्री क्या है? सेम पोजीशन पर रहेगा। ये क्या बना? एनांसियोमर। अब ऐसा जरूरी नहीं आप यू ही रोटेट करो, आप चाहो तो यू कर दो रोटेट, आप चाहो तो इसको यू रोटेट कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। एनांसियोमर ही बनेगा। मैच करने के लिए अपन देख सकते, देखो ये तो डायरेक्ट ही समझ में आ गया होगा आपको ये वाला। अगर मैं इसमें ओड चेंज करता, ओड चेंज का मतलब है किन दोनों ग्रुप को चेंज कर दो, इसको या और इसको या, तो ये बनेगा नहीं बनेगा? बनेगा ना। और ओड चेंज से क्या बनता है? एनांसियोमर, तो वो दिख ही रहा है। समझ में आ गया ना? इसमें देखो आप, यहाँ पर मैं चेंज कर रहा हूँ, देखो ध्यान देना, इन दोनों ग्रुप को चेंज कर दो, फर्स्ट चेंज थ्री को या वन को यहाँ पर ले आया, या थ्री को या, ये यहाँ का वन यहाँ पर आ गया, फिर ये एक चेंज हो फर्स्ट चेंज, फिर यहाँ का फोर इधर और यहाँ का टू इधर, सेकंड चेंज ओड है, इवन है, इवन तो इवन चेंज हो रहा है यहाँ पर एक तरह से, तो क्या बनेगा? आइडेंटिकल। यहाँ पर आपको डायरेक्ट देखने से पता नहीं चलेगा, ठीक है ना, लेकिन अगर मैच करोगे तो आपको मैच करने से पता चल जाएगा। देखो एक बार मॉडल से समझा देता हूँ। जैसे यू देखो आप, इसको मैं मार्क कर रहा हूँ यहाँ पर, इसको यू देख लो, ठीक है ना, ये वन तो हो गया, कौन सा हो गया ना, ये टू आर्थ द व्यूअर या वे फ्रॉम द व्यूअर, ये वन तो हो गया ऑरेंज, ये टू हो गया वाइट, थ्री हो गया पिंक, फोर हो गया ग्रीन, किसी को भी कुछ भी मान लो, आपको जैसा यहाँ पर मैच किया ना उसके अकॉर्डिंग मान लो। समझ में आ रहा है ना? तो मैंने इसके अकॉर्डिंग मैच किया अभी, तो देखो अब इससे इसको मैच करो, ये एनांसियोमर है ना, तो एनांसियोमर है तो मतलब इस स्ट्रक्चर से मैच नहीं होगा ये,
क्योंकि ये आइडेंटिकल थोड़ी है, इससे मैच नहीं होगा। ये करके देखें, चलो देखते हैं। फोर का मतलब क्या है? फोर का मतलब ग्रीन है। तो देखो ये फोर का मतलब हो गया भाई ग्रीन, ये फोर का मतलब ग्रीन है, ठीक है ना। और यहाँ पर फोर का मतलब, टू का मतलब क्या है? टू का मतलब वाइट है। ये देखो फोर का मतलब ग्रीन, टू का मतलब वाइट हो गया। अब देखो मैच कर रहा है क्या? देखो वन का मतलब क्या पिंक आ रहा है? आ रहा है क्या? नहीं आ रहा ना वन का मतलब पिंक, मैच नहीं कर रहा ना। लेकिन इसके एनान्समर से मैच कर जाएगा। इसके एनान्समर बनाना है तो क्या करूँगा? एक बार चेंज कर दो किन्हीं भी दो ग्रुप को, इन दोनों को कर दो चेंज। चलो इन दोनों को चेंज कर दिए। अब एनान्समर बन गया ये ओरिजिनल स्ट्रक्चर का। अब इससे ये मैच कर जाएगा क्योंकि ये वास्तव में एनान्समर है। समझ में आ रहा है? चलो मैच करके देखते हैं। देखो फोर का मतलब क्या है? फोर का मतलब ग्रीन, ये ग्रीन। और टू का मतलब क्या है? टू का मतलब वाइट। फोर का मतलब ग्रीन, टू का मतलब वाइट। फोर का मतलब ग्रीन है और टू का मतलब वाइट, ठीक है ना। अब देखो आप वन का मतलब ऑरेंज आ रहा है नहीं आ रहा? वन का मतलब ऑरेंज आ रहा है। देखो थ्री का मतलब पिंक आ रहा है नहीं आ रहा? थ्री का मतलब पिंक कर रहा है मैच। इसका मतलब एनान्समर ही बन रहा है। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। आप आरएस कॉन्फ़िगरेशन के द्वारा देख सकते हो। अभी जब उनको पढ़ लेंगे तो उनके अपन बात करेंगे। कोई डाउट है क्या? नहीं ना। ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी होगी। अब देखो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखो, ध्यान देना। कोई भी एक पीसर प्रोजेक्शन है, ये पीसर प्रोजेक्शन वन टू थ्री फोर, देखो इस पीसर प्रोजेक्शन में किसी भी एक ग्रुप की पोजीशन को आप फिक्स कर दो, किसी भी एक की। मैं वन की पोजीशन को फिक्स कर देता हूं। वन को यहां पर क्या कर दिया? फिक्स कर दिया। और बाकी ग्रुप को एक दूसरे की जगह पर शिफ्ट कर दो आप, आइडेंटिकल बनेगा। एक दूसरे की जगह पर शिफ्ट करने का मतलब है कि टू को यहां पर ले आओ, थ्री को यहां पर ले आओ, फोर्थ को यहां पर ले आओ। भाई एक किसी भी एक ग्रुप को तो फिक्स कर दो। वन की पोजीशन तो फिक्स करिए दी, ये वन हो गया ना। बाकी को एक दूसरे की जगह शिफ्ट करो, टू को यहां ले आया, थ्री को यहां ले आया, यहां का फोर यहां पर ले आया। अब जरूरी नहीं आप ऐसे ही करो, आप यू भी कर सकते थे, जैसे टू को यहां, फोर को यहां, थ्री को यहां, है ना। उससे फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ रहा है ना? ये आइडेंटिकल है। ये कौन सा है? आइडेंटिकल, आइडेंटिकल। समझ में आ रहा है? देखो इधर देखो सभी, जैसे यहां पर हो गया वन टू थ्री फोर। देखो जरूरी नहीं वन को फिक्स करो, आप किसी भी ग्रुप को फिक्स कर सकते हो। जैसे मैं थ्री को फिक्स कर देता हूँ, ये थ्री की पोजीशन फिक्स कर दी, ये थ्री, तो थ्री को तो सेम रखा और बाकी के एक दूसरे की जगह शिफ्ट कर दो। जैसे यहाँ से फोर को यहाँ ले आया, वन को यहाँ ले आया, टू को यहाँ ले आया। देखो फोर तो यहाँ आ गया, वन यहाँ पर आ गया, यहाँ का टू यहाँ पर आ गया। ये आइडेंटिकल है, ये आइडेंटिकल है। मतलब ये दोनों एक्चुअली क्या है? सेम है। समझ में आ रहा है ना? ये लिख रखा है क्यों बेटा सबने? इधर देख लो लिख रखा है। किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं है ना? देखो ध्यान देना, एक केस और बना देते हैं। जैसे मान लिया वन टू थ्री फोर, जैसे मैंने यहाँ पर टू को फिक्स कर दिया, इस टू को फिक्स कर दिया, बाकी एक दूसरे की जगह शिफ्ट कर दो। टू को तो फिक्स कर रखा है, एक दूसरे की जगह शिफ्ट से मतलब ये हो गया ना। तो देखो ये फोर यहाँ पर चला गया, यहाँ का वन यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ का थ्री यहाँ पर आ जाएगा। ये एक्चुअली दोनों आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल। समझ में आ गया होगा? ये भी कर सकते हैं, जैसे वन टू थ्री फोर। देखो यहाँ पर आप जैसे फोर की पोजीशन फिक्स कर दी, ये फोर की पोजीशन फिक्स कर दी, बाकी के एक दूसरे की जगह शिफ्ट कर दो, इसको या और इसको या, ठीक है ना। तो ये थ्री यहाँ चला गया, यहाँ का वन यहाँ पर चला गया, यहाँ का टू यहाँ पर चला गया, फोर की पोजीशन अपने फिक्स कर ही रखी। ये दोनों एक्चुअली आइडेंटिकल होंगे, आइडेंटिकल। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा क्या करना है। एक पीसर की क्या क्या प्रॉपर्टीज है, क्या क्या देखा हमने? देखो एक तो पीसर प्रोजेक्शन ऑलवेज कौन सी फॉर्म होता है, कौन सा होता है? एक लिफ्ट होता है। दूसरा, पीसर में किसी भी किरेल सेंटर पर ओड चेंज करते हो तो क्या बनता है? एनान्समर। और इवन चेंज करते तो आइडेंटिकल। लेकिन ये पॉइंट पीसर के लिए नहीं है, ये तो एक्चुअली क्या जर्नल पॉइंट है। किसी भी स्ट्रक्चर में किसी किरेल सेंटर पर आप ओड चेंज करते हो तो एनान्समर बनता है, उस किरेल सेंटर के रेस्पेक्ट में, ध्यान देना उसके रेस्पेक्ट में। और इवन चेंज करते हो तो आइडेंटिकल बनता है, चाहे वो पीसर हो, चाहे वेजडेस हो, सोहार्स हो, चाहे फिर
न्यूमान हो। ईवन चेंज से आइडेंटिकल, ओड चेंज से एनांसिमर बनता है, समझ में आ रहा है? लेकिन ध्यान देना पर्टिकुलर किरैल सेंटर के रेस्पेक्ट में अपन ये बात कर रहे हैं, समझ में आ रहा है ना? अब देखो पीसर में और क्या देखा हमने कि अगर आप किसी एक ग्रुप को पिक्स करके बाकी को एक दूसरे की जगह रिप्लेस करते हो तो आइडेंटिकल बनता है इस तरह से। कट आउट है क्या, है ना? करो देखो नोट यहाँ पर।